चुनाव में पहाड़ की बेटियां बन रही मिसाल, महिला वोटर्स को कर रही जागरूक। महिला बाइक राइडर्स का कमाल, पैसिफिक हिल्स से निकली बाइक रैली। उत्तराखंड में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए महिलाओं को किया प्रेरित। राइडर बेटियां ग्रामीण महिलाओं के लिए बनी आवाज, गांव-गांव जाकर बताई वोट की ताकत। पहाड़ के जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाने वाली राइडर्स बेटियों ने अब लोकतंत्र को मजबूत करने का जिम्मा उठाया है। ग्रामीण महिलाओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रही ये बेटियां पहाड़ पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने जा रही हैं। इन्हीं बेटियों ने लद्दाख में 25 दिनों तक अनशन करने वाले पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया था। अब ये पहाड़ की बेटियां महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही हैं। देवभूमि की महिला बाइक राइडर्स लगातार पहाड़ के लिए मिसाल बन रही हैं। इस बार चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये पहाड़ की बेटियां राजधानी देहरादून के अलग अलग गांव में जाकर महिलाओं को उनके वोट की अहमियत समझा रही हैं, ताकि चुनाव में ग्रामीण महिलाएं भी अपने वोट का सही इस्तेमाल कर पाए। पहाड़ की ये राइडर बेटियां कई मौकों पर अपना अहम रोल निभाकर लोगों को जागरूक कर चुकी हैं। ये सभी महिला बाइक राइडर्स मनु शक्ति संगठन से जुड़ी हुई हैं। मनु शक्ति संगठन पहाड़ के कई अहम मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर चुका है। ग्रामीण महिलाओं को वोट के लिए जागरूक करने के लिए मनु शक्ति संगठन ने ही महिला बाइक रैली का आयोजन किया। संगठन के अध्यक्ष ममता नागर लगातार जल, जंगल और जमीन को लेकर काम करती रही हैं। नमस्कार उत्तराखंड, मैं मनु शक्ति आप सबके सामने दोबारा से एक बार फिर एक सोशल कॉज के लिए उतरी हूं, अपनी विमेन बाइक राइडर्स को लेते हुए। जैसा कि आपको पता है कि मैं जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के लिए समय समय पर काम करती हुई आई हूं, और इस बार का जो काम है वो मेरा योगदान जो है एक आप समझ लीजिए कि आपके भारत के डेमोक्रेसी को जाता है, जहां पर मैं हरेक ग्रामीण से, हरेक शहरी से ये अपील करना चाहती हूँ कि आगे आए, वोट दे, आगे बढ़ के इस महापर्व का हिस्सा बने। इसीलिए हम आज इस बार मनु शक्ति संगठन की ओर से हर एक गांव को कवर करेंगे। बाइक रैली के माध्यम से हम सबको ये बताना चाहते हैं कि इस महापर्व को सब अपने और त्योहारों की तरह सेलिब्रेट करें और इस महापर्व का हिस्सा बने और सब इसमें मिल करके अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। पहाड़ की बेटियों ने बाइक रैली की शुरुआत पैसिफिक हिल से की। इसके बाद राजधानी देहरादून के कई गांव को कवर करते हुए वापस पैसिफिक हिल्स पर ही बाइक रैली को खत्म किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वोटिंग के प्रति जागरूक करना था। बाइक रैली का फ्लैग जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के प्रबंधक आशीष कथेट और IMIS एक्सपर्ट कमल किरण ने किया। हेलो मित्रों, मैं हूं राइडर नोनी, और हर बार की तरह अपनी एक जिम्मेदार नागरिक की भागीदारी निभाते हुए आज हम आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आसपास के जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं, जिनको शायद उतनी जानकारी नहीं मिल पाती, उनको जागरूक करने के लिए हम एक बार फिर से जुड़े हैं, और यहाँ से हम अपनी राइड शुरू करेंगे और जितना पॉसिबल होगा मैक्सिमम लोगों को आने वाले चुनाव की जानकारी देंगे। उससे रिलेटेड जो सरकार की योजनाएं हैं, ऐप है, बहुत सारी चीजें हैं जो जगह जगह तक नहीं पहुंच पाती, तो वो करने आज हम जा रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होना है, मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को जागरूक करना है ताकि चुनाव में महिलाएं अपने मत का सही इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए पहाड़ की राइडर्स बेटियों ने ग्रामीण वोटर्स को वोट डालने के लिए प्रेरित करने का जिम्मा उठाया। अगर ये वोटर महिलाएं चुनाव में अपना वोट डालेंगी तो पहाड़ पर वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। चुनाव आयोग की मतदान बढ़ाने की मुहिम में राइडर बेटियां भी अपना बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं। हेलो, नमस्कार उत्तराखंड, मैं बाइकर सुदीक्षा हूं, और मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि आप सभी अपना वोट दें, क्योंकि हर एक वोट काउंट होता है। एवरी वोट मैटर्स, जिसको हम बोलते हैं। इवन हमारे संविधान में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब कि हर एक वोट जो हम दे रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपना वो रखता है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारी सरकार इतना कुछ कर रही है, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को लेकर वोट करना एक बड़ा ही इतना आसान टास्क नहीं होता है, तो हम सभी को वोट देना चाहिए।
उत्तराखंड की महिला बाइक राइडर्स पहाड़ के जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से उठाती हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले पर्यावरण एक्टिविस्ट, मशहूर इंजीनियर और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने 25 दिनों तक पर्यावरण को बचाने के लिए अनशन किया था। सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने के लिए देवभूमि की बेटियां बाइक से ही लद्दाख के लिए रवाना हो गई थी। हालांकि इस बार ये राइडर बेटियां लोकतंत्र के पर्व में महिलाओं को जागरूक करने का अहम रोल निभा रही हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।